टीआरएस प्रमुख और मुख्यमंत्री केसीआर के निर्वाचन क्षेत्रों के दौरान में थोड़ा बदलाव हुआ है। जी हां, जैसे कि पहले घोषणा की गई थी कि वे 26 तारीख को वनपर्ती के नागर कर्नूल और 27 को स्टेशन घनपुर व महबूबाबाद और वर्धनपेट में सार्वजनिक आशीर्वाद बैठकों में भाग लेंगे, बाकी यथावत जारी रहेगा। केसीआर ने इस महीने की 15 तारीख को घोषणा पत्र की घोषणा की। उसी दिन हुसनाबाद में चुनाव प्रचार की शुरुआत की गई है। वे प्रतिदिन दो निर्वाचनों क्षेत्र की तरफ से आ रहे हैं। वहीं हुसनाबाद, जनगांव, भुवनगिरी, सिद्धिपेट, सिरिसिला, जड, चरला और मिर्चल में सार्वजनिक आशीर्वाद सभाओं में भाग लिया है, लेकिन उसके बाद बतुकम्मा और दशहरा उत्सव के कारण उन्होंने छुट्टी ले ली है। वहीं गुरुवार से दोहराया यात्रा शुरू हो गई है। 26 को वो अचमपेट, वनपर्ती, मुनुगोडू और 27 को पालेमेरू और महबूबाबाद और वर्धनापेट सभाओं में भाग लेंगे। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र कोंजागल में अपने प्रशासकों और कार्यकर्ताओं के कोलाहल का वीडियो ट्वीट किया है। इससे तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से रीट्वीट किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे लोग मेरी ताकत, मेरा लोग मेरी ताकत। उन्होंने बताया, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र कोंजल का दौरा किया। रेवंत रेड्डी ने 2 मिनट 13 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में रेवंत रेड्डी ने अपनी बात रखी है। वही प्रशासक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए और उनकी जय जयकार करते हुए नारे लगाए हैं। वह 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा बहुमत हासिल करना चाहते हैं। रैली के लिए निकलते हुए उन्होंने प्रशासकों और कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाया और उनमें जोश भर दिया। इस वीडियो को 1 घंटे के अंदर 1600 से ज्यादा लाइक्स और 373 से ज्यादा शेयर मिल चुकी है। इसी करीब 15,000 लोग ने देखा। पूर्व MLC बीजेपी नेता रंगा रेड्डी ने कालेश्वर भ्रष्टाचार और रंगा रेड्डी जिले में हुए जमीन घोटाले की CBI जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सीआर परिवार ने जनता को हजारों करोड़ रुपए लूटा है। रंगा रेड्डी से रूबरू हुए रंगा रेड्डी ने कहा, बीजेपी राज में सत्ता में आएगी और इन मुद्दों की जांच जरूर करेगी और तथ्य जनता के सामने रखेगी। कर्नाटक के किसानों ने चंगुलम्बा गढ़वाल जिले केंद्र के पुराने बस स्टैंड के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा, वे तेलंगाना में कांग्रेस की योजनाओं में विश्वास नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में सत्ता के लिए 5 वादों में धोखा दिया है। यही कारण है तेलंगाना भी सत्ता के लिए 6 गारंटियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। रायचूर, वंडेपल्ली, आशीपाडू, गाजुला पाडू और गांव के किसानों ने लोगों से PRS विधायक उम्मीदवार कृष्णा मोहन रेड्डी को जिताने के लिए समर्थन देने को कहा है। रेलवे विभाग ने शबरीमाला तीर्थयात्रियों को खुशखबरी दी है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने वंदे भारत ट्रेन को चिकनूर स्टेशन पर रोकने की मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि शबरीमाला अयप्पा भक्तों का ध्यान में रखते हुए चिकनूर में स्टॉपेज दिया गया। रेल मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कासरगोड त्रिवंद्रमपुरम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस चिंगूर में रुकती है और मुरलीधरन के पहले रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को पत्र लिखकर के वंदे भारत एक्सप्रेस को चिंगूर में रोकने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने पत्र में कहा है कि चिंगूर रेलवे स्टेशन अलापूछा, कोलम, पत्तनम मत्तिता और कोटायम जिलों की सेवा कर रही है। इसी वर्ष 2009 में भारतीय रेलवे द्वारा शबरीमाला का प्रवेश द्वार घोषित किया गया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि शबरीमाला देश के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रा स्थलों में से एक है। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की चिंगूर से स्टॉपेज पॉइंट देने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। पहले चरण की बस यात्रा में कांग्रेस पूरे जोशों में आ गई है। इस जोश के साथ दूसरे चरण में बस यात्रा की योजना बनाई है। कांग्रेस पार्टी ने इस महीने की 28 तारीख से अगले महीने की 1 तारीख तक एक बार फिर तेलंगाना में बस यात्रा करने का फैसला किया है। यहां तक नेतृत्व की ओर से हरी झंडी मिल गई है। AICC के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बस यात्रा के दूसरे चरण में शामिल होंगे। कांग्रेस तेलंगाना में 2 चरणों में बस यात्रा के लिए तैयार है। राज के नेतृत्व संयुक्त महबूबनगर, मेदक, रंगारेड्डी और नलगुंडा जिले में बस यात्रा जारी रखने की योजना बनाई है। वहीं TPCC नेता 4 जिलों को कवर करने के लिए रूट मैप तैयार कर रहे हैं। तेलंगाना के एक नेता ने कहा है, आधिकारिक कार्यक्रम भी कल जारी कर दिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसी के अंतर्गत खम्मम, वारंगल और हैदराबाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैठकें आयोजित की गई है। उसके बाद उत्तरी तेलंगाना के करीमनगर और निजामाबाद जिलों को कवर करने के लिए बस यात्रा पूरी की गई। अब एक बार फिर रंगारेड्डी, महबूबनगर, नलगुंडा और मेदक जिले ने पार्टी केडर नेताओं ने नया
जोश भरने के लिए बस यात्रा का आयोजन किया गया है। दिल्ली हाईकमान मैदान में उतार रहा है। हालांकि पार्टी ने इन चार जिलों में बस यात्रा के साथ साथ कुछ जगहों पे जनसभाएं आयोजित करने पर भी काम कर रही है। नलगुंडा के सांसद कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य उत्तम कुमार रेड्डी ने मुख्य टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा यह तय है कि अगले चुनाव में कांग्रेस की सुनामी में BRS बह जाएगा। वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सत्ता में आने वाले हैं। राहुल गांधी की आलोचना करने का मंत्री KTR और MLC कविता को नहीं है। BRS के नेता तेलंगाना की संपत्ति को लूट रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है अगले विधानसभा चुनाव में BRS सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगी और सत्ता में आएगी। बोयिनपल्ली मैदान में जमपाना प्रताप द्वारा आयोजित शमी पूजा में शामिल हुए मंत्री मल्ला रेड्डी ने पुरानी यादें ताजा की। जब वह जिस स्कूटर से दूध बेचते थे वो वहां दिखा तो मंत्री ने स्मार्ट तरीके से स्कूटर को चलाया। उन्होंने स्कूटर चलाकर सभी का मनोरंजन किया। बोयिनपल्ली मैदान पे स्कूटर चलाकर मंत्री मल्ला रेड्डी एक बार फिर चर्चे में आ गए हैं। इस बात की जोरदार चर्चा चल रही है। BJP नेता कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस में वापसी करेंगे। मीडिया में चर्चा है कि वो कांग्रेस पार्टी से आने के बाद फिर से ग्रुप से लौटेंगे। भाजपा की ओर से जारी पहली सूची में पहले से ही उम्मीदवार तय नहीं हो सका। सभी को लगा मुनुगोड़ू चुनाव लड़ चुके राजगोपाल रेड्डी का नाम यहां से होगा, लेकिन BJP ने पहले उम्मीदवार की घोषणा में उनका नाम नहीं है। इस पृष्ठभूमि में माना जा रहा है कि उनके कांग्रेस में शामिल होने की संभावना के चलते BJP ने घोषणा नहीं की, लेकिन राजगोपाल रेड्डी ने अब तक कोई घोषणा नहीं की है। अगर राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल होते तो BJP को पहले से मजबूत उम्मीदवार उतारने की उम्मीद है। वहीं राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ बुरा नरसैया गौर को मैदान में उतारने की योजना बना रही है। भाजपा टिकट आवंटन के मामले में पिछड़ी जातियों का अधिक प्राथमिकता देना चाहती है। इसके भाग के रूप में कई PC नेता कतार है और खास तौर पे गौड़ा के वोटर 35,000 से ज्यादा है जो करीब 16% है। वहीं मुदीराज पद्माशाली यादव और एरू कुला और कुमरारी और विश्व ब्राह्मण मतदाता भी बड़ी संख्या में है। इसके साथ ही BJP को उम्मीद है कि अगर बुरा नरसैया का मौका दिया गया तो वे साथ आएंगे। मंत्री एरा बेली दयाकर राव ने कहा है TPCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी दलाल और धोखेबाज है। अगर वो किसी भी पार्टी में होंगे तो पार्टी बर्बाद हो जाएगा और धोखेबाज रेवंत रेड्डी ने स्क्रिप्ट लिखी और राहुल गांधी उसे पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग BRS घोषणा पत्र को स्वागत करते हैं और तेलंगाना में अन्य राज्यों के लिए उदाहरण है। देश की भविष्यवाणी BRS में है। इस महीने की 27 तारीख को CM KCR दोपहर 12 बजे, पालेरू में दोपहर 2 बजे, महबूबाबाद में और शाम 4 बजे वर्धापेट और निर्वाचन क्षेत्र के गुचुपल्ली में आम सभा होगी। उन्होंने जनता और BRS के नेताओं से बड़ी संख्या में आम सभा का सफल बनाने का आह्वान किया है। वहीं मंत्री सत्यावती राठौर ने कहा है कि अलोकप्रिय कांग्रेस और भाजपा को देखकर दुख होता है। उनके उम्मीदवारों को दिल्ली के नेताओं द्वारा चुना जाता है और पूछा उन्होंने दिल्ली की उन पार्टियों को वोट क्यों देना चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। गोशा महल विधायक टी राजा सिंह ने कहा CM KCR ने यह कहकर लोगों को धोखा दिया है कि वो स्वर्ण मंदिर तेलंगाना बनाएंगे, लेकिन मनोवर फारूक को KTR के राज में लाया और हमारे राम का अपमान किया। इस पे प्रतिक्रिया देने पर मुझे कुछ महीने के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा सभी के आशीर्वाद से पार्टी में वापस आ गया हूँ। पहली सूची में मुझे दोबारा टिकट भी मिल गया है। वहीं करीमनगर में मैंने और बंदी संजय ने एक साथ देवी माता की पूजा की। हमने दुर्गा माता से KCR सरकार को गिराने का आशीर्वाद मांगा है। KCR शासन में राज का क्या क्या हुआ है और हो रहा है। स्वर्ण मिल तेलंगाना के बजाय कर्ज को तेलंगाना बना दिया गया। वह लोगों से हमेशा के लिए भाजपा को वोट देने को आग्रह किया है। जहां डबल इंजन चल रहा है वहां डबल विकास हो रहा है। हमें एक मौका दीजिए, हम स्वर्णिम तेलंगाना बनाकर दिखाएंगे। वहीं तेलंगाना की हर जगह पे भ्रष्टाचार हो रहा है। करीमनगर के लोगों को हमारे पंडित संजय के विधायक के रूप में जिताना चाहिए।